गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वासु कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। इससे पहले हम हिमालय नदी तंत्र को बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। नदी तंत्र का मतलब मेन नदी और उसकी सहायक नदियाँ, उसकी ट्रिब्यूटरीज। आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में एक तो वो नदियां हैं जो अरब सागर में जाकर के गिरती हैं, दूसरी वो जो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। तो बड़ी नदियों को हम देखें तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं माही, नर्मदा और ताप्ती, और इसके अलावा इनकी सहायक नदियों को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो ये बड़ी नदियाँ हैं। आपको अगर नदी तंत्र या बड़ी नदियाँ उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक याद करनी है तो सिंधु नदी तंत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इसके अलावा माही, नर्मदा, ताप्ती और महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इन 10 नदियों का तो पूरा पूरा आइडिया आपको होना चाहिए कि ये कौन सी जगह से इनका उद्गम होता है, कौन से राज्यों में ये बहती हैं, कौन सी इनकी बड़ी सहायक नदियाँ हैं। स्पेशली इन 10 नदियों पे सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आज हम प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में माही, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, और इसके अलावा कुछ स्टेट की, केरल, तमिलनाडु की छोटी नदियाँ जो कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जा कर के गिरती हैं, इतनी नदियों को आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम मैप में नदी को देखेंगे क्योंकि मैप में नदी का उद्गम और कौन से राज्यों से वो बह रही है और कौन सी वाटर बॉडी में जाकर के शामिल हो रही है, गिर रही है, जब हम मैप में ये चीज़ें देख लेते हैं तो हमारे लिए फैक्ट याद करना बहुत आसान हो जाता है। देखिए भूगोल की रीड क्या है, मैप। अगर आपको मैप बहुत प्रॉपर मैनर में ध्यान है, आप इसको इमेजिन कर ले जाते हो अपने दिमाग में, इस मैप को देख लेते हो क्वेश्चन टिक करते टाइम, आंसर ढूंढते समय, इसका मतलब आपकी ज्योग्राफी वाला पार्ट बहुत शानदार है। क्योंकि सीधा कोई भी फैक्ट रटना कि ये नदी इस जगह से निकलती है, इन स्टेट में बहती है, इस खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, ये बहुत उबाऊपन वाला काम हो जाता है। लेकिन मैप के साथ साथ याद करना बहुत आसान और थोड़ा मज़ेदार काम लगता है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे माही नदी की। तो मैं ब्लैक कलर से इसको नदी को शो कर रही हूँ ताकि आपको आइडिया भी रहे कि इतनी सारी नदियों में कहाँ से कौन सी नदी निकल रही है और कहाँ जाकर के गिर रही है। देखिए माही नदी का उद्गम होता है धार जिले एमपी से, यहाँ से माही नदी का उद्गम हो रहा है। राजस्थान में बहते हुए गुजरात में एंटर करती है, यानी मध्य प्रदेश से उद्गम राजस्थान में बहते हुए गुजरात में एंटर करती है और खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। माही नदी की सहायक नदियों को भी देखेंगे फैक्ट देखते समय। अभी हम देख रहे हैं कि मैप में कि कौन कौन से स्टेट को कवर कर रही हैं ये नदियाँ। अब इसके बाद हम बात करें नर्मदा नदी की, तो हमने मेकाल पर्वत श्रेणी को पढ़ते समय, इससे पिछली क्लास में हमने विंध्याचल, सतपुड़ा, इन रेंज के बारे में पढ़ा था, तो तब हमने देखा था कि मेकाल में अमरकंटक, ये देखिए बिल्कुल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बाउंड्री से, अमरकंटक से दो बड़ी नदियां निकलती हैं, एक नर्मदा नदी और एक सोन नदी। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। अब आप देखिए पिछली क्लास में हमने ये भी देखा था कि दाएं तट की सहायक नदी किसे कहते हैं, बाएं तट की सहायक नदी किसे कहते हैं, ये भी डायरेक्ट रटना नहीं है। अब जब आपको पता है कि गंगा नदी का बहाव एरिया कौन सा है, तो उसमें जब यहाँ से अमरकंटक से सोन नदी निकल कर के शामिल हो रही है, उसकी सहायक नदी है, तो वो कौन से तट की है, दाएं तट की है, राइट हैंड साइड में आ रही है तो दाएं तट की है। नदी जिस डायरेक्शन में बह रही है उसी डायरेक्शन में यदि हम अपना फेस करके खड़े हो जाएं तो हमारा राइट हैंड शो करता है दाएं तट को और हमारा लेफ्ट हैंड शो करता है बाएं तट को। जैसे अभी नर्मदा की अगर हम बात करेंगे तो इस साइड से जो नदियां नर्मदा नदी में आकर के मिलेंगी वो नर्मदा की हो जाएंगी दाएं तट की नदी, क्योंकि नर्मदा कैसे बह रही है, यहां से निकल करके और यहां पे बह रही है, तो इस साइड वाली नदियां हो जाएंगी दाएं तट की और यहां से नीचे से जो नदियां आकर के मिलेंगी वो हो जाएंगी बाएं तट की सहायक नदियां।
आई होप आप इस चीज को कभी नहीं भूलोगे। ये देखिए, अमरकंटक से हो रहा है नर्मदा का उद्गम और ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है, जीवनदायिनी। तो ये देखिए, ये बहते हुए मध्य प्रदेश में ये एंटर करती है महाराष्ट्र होते हुए गुजरात में और जाकर के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। अभी नर्मदा नदी के बारे में कुछ और फैक्ट्स भी जानेंगे जो थोड़े से आपको इंटरेस्टिंग भी लगेंगे, क्योंकि वो पौराणिक कथाओं पे, माइथोलॉजी पे आधारित हैं। देखिए, इसके बाद हम बात करें अरब सागर में गिरने वाली नदी तापी नदी की। तो तापी नदी का उद्गम हो रहा है मध्य प्रदेश में बैतूल जिले के पास से ये निकलती है और ये बहते हुए महाराष्ट्र, गुजरात और फिर अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे पेरियार जो नदी है वो जाकर गिर रही है वेम्बनाद झील में। भरतपूजा जो नदी है वो गिरती है अरब सागर में, जो कि बहुत छोटी नदी है लेकिन केरल की बड़ी नदी है। यहाँ पे भरतपूजा और पेरियार नदी। इसके अलावा अब हम बात करें बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की। तो देखिए, यहाँ पे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कम हैं। क्यों कम हैं? ये ज़्यादातर नदियों का बहाव आप देख पा रहे होंगे कि पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की तरफ जा रही हैं, यानी अरब सागर में ना गिर करके बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा नदियाँ गिरती हैं। इसका कारण क्या है? जब हम पढ़ रहे थे कि हिमालय का उत्थान कैसे हुआ, उस समय हमने ये देखा था कि इस प्रायद्वीपीय एरिया में, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसमें भी बदलाव हुए थे। वो बदलाव क्या थे कि एक तो इसका स्लोप स्लाइट किस साइड में है? पूर्व दिशा में। यानी अगर इसके पश्चिम और पूर्व डायरेक्शन को देखें तो वो कुछ इस तरह से, ये पश्चिम वाला पार्ट उठा हुआ है, पूर्व वाला पार्ट हल्का सा नीचे ढाल की ओर है। तो नदियों का जो ढाल है वो ऑटोमेटिक किस साइड नेचुरली बन गया है? बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो ये नदियाँ, जो बड़ी नदियाँ जो कि निकल रही हैं पश्चिमी घाट से, वो पश्चिमी घाट से निकल करके पूर्व दिशा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जा करके गिरती हैं। देखिए, यहाँ से निकल रही है, सबसे पहले हम देखें महानदी को। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है और ये छत्तीसगढ़ में बहते हुए उड़ीसा में एंटर करती है और उड़ीसा में ये जा करके गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद हम बात करें गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी को एनसीईआरटी में दक्षिण भारत की गंगा कहा गया है, लेकिन कुछ अदर बुक में और इवन एक बार एग्ज़ाम में भी कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा माना गया है। आंसर के रूप में इसे सही माना गया है कि कावेरी नदी भी दक्षिण की गंगा कहलाती है, लेकिन एनसीईआरटी में ये फैक्ट के रूप में दिया गया है कि गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी देखिए, हिमालय से निकल करके गंगा नदी, हिमालय वाला रीजन, तो ये वाला जो पार्ट है भारत का वो तो हमने देखा था नवीन है। किसके कंपैरिजन में? प्रायद्वीपीय भारत के कंपैरिजन में, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत का, ये जो साउथ वाला, मिड से लेकर के साउथ तक वाला जो पार्ट है, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ये हम बहुत अच्छे तरीके से देख चुके हैं इससे पिछली क्लास में। तो ये गोंडवाना लैंड का पार्ट होने के कारण ये प्राचीन है हिमालय के कंपैरिजन में। यहाँ बहने वाली नदियाँ भी क्या हैं? प्राचीन काल से बह रही हैं, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र के कंपैरिजन में ये नदियाँ पुरानी हैं। इसीलिए इन नदियों ने अपना आधार तल, यानी जितना कटाव ये लंबवत कर सकती थी वो कर चुकी हैं, आधार तल को प्राप्त कर लिया इन्होंने। इसलिए ये वाली जो नदियाँ हैं वो कटाव कहाँ कर रही हैं? चौड़ाई के अंदर, आसपास के तटों को काटते हुए बहती हैं। तो इसलिए इनकी जो घाटियां हैं वो चौड़ी होती जा रही हैं। लंबवत कटाव इन नदियों ने कर लिया है, क्योंकि ये बूढ़ी पुरानी नदियां हो चुकी हैं। तो देखिए, यहाँ से निकल रही है गोदावरी नदी महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट से, त्र्यंबकेश्वर से निकल रही है, जो कि पश्चिमी घाट का पार्ट है। और हमने देखा पश्चिमी घाट अनवरत है, लगातार है, इसमें दर्रों के थ्रू, पासेस के थ्रू ही हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। दर्रे क्या होते हैं, कौन कौन से दर्रे हैं भारत में, ये हम दर्रे पढ़ते समय देखेंगे। देखिए, गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर से होकर के महाराष्ट्र में गोदावरी बहते हुए तेलंगाना में एंटर करती है और तेलंगाना में बहते हुए आंध्र प्रदेश में और फिर ये गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद देखिए कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम भी महाराष्ट्र से हो रहा है और ये नदी बहते हुए
महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक और कृष्णा नदी पे जल विवाद भी है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, इसके बाद तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश में बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब यहाँ पे देखिए, पेन गंगा, वर्धा, वेन गंगा, इंद्रावती, ये देखिए यहाँ से उड़ीसा से ये नदी आ रही है इंद्रावती, ये वेन गंगा, वर्धा, पेन गंगा, ये गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। इसके अलावा कृष्णा नदी की बात करें तो भीमा, कोयना, मूसी, ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, और तुंगभद्रा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, क्योंकि कृष्णा और तुंगभद्रा, ये देखिए ये वाली नदी तुंग और भद्रा दो नदियों के मिलने से ये तुंगभद्रा नदी ये यहाँ आकर कृष्णा नदी में मिल जाती है। ये वाला जो एरिया है ये है रायचूर का दोआब, जो कि बहुत ही उपजाऊ है, क्योंकि दो नदियों के द्वारा सिंचित क्षेत्र है ये, तो बहुत उपजाऊ है। ये रायचूर का दोआब है जो कि कृष्णा और तुंगभद्रा इन दोनों नदियों से बनता है। अब ये कृष्णा नदी देखिए यहाँ पे किसकी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बाउंड्री बना रही है, आपको दिखाई दे रहा है, बाउंड्री के साथ साथ बहते हुए फिर ये आंध्र प्रदेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये कृष्णा नदी है। अब हम बात करें कावेरी नदी की, ये देखिए यहाँ पे ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कर्नाटक से उद्गम होता है, ये कर्नाटक में बहते हुए इसके बाद ये तमिलनाडु में बहते हुए यहाँ पे जा कर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ये कावेरी नदी पे शिव समुद्रम, श्रीरंगपट्टनम और श्रीरंगम, ये तीन द्वीप भी बनाती है। जैसे हमने देखा था माजुली द्वीप बनाती है ब्रह्मपुत्र, और द्वीप कैसे बनता है, नदीय द्वीप कैसे बनता है कि कोई नदी आ रही है, ये दो शाखाओं में बंटी और ये वाला जो पार्ट है पूरा ये क्या बन गया है, द्वीप बन गया है, और फिर ये नदी आगे से वापस बहने लग गई। तो सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है, ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए जाने वाला माजुली द्वीप। और यहाँ पे तीन द्वीप, तीन बड़े द्वीप बना रही है कावेरी नदी, कौन कौन से, श्रीरंगपट्टनम और इसके अलावा शिव समुद्रम, ये तो दोनों है कर्नाटक में, और श्रीरंगम ये है तमिलनाडु में, ये बड़े द्वीप हैं जो कावेरी के द्वारा बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ से फिर कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर से थोड़ा सा ही आगे से वैगई नदी निकल रही है तमिलनाडु के अंदर। इसको हम अगर थोड़ा सा जूम करके देखें, हाँ अब ये पार्ट देखिए, ये है वैगई नदी जो तमिलनाडु में बहते हुए और यहाँ पे गिर जाती है पाक की खाड़ी में। ये वाला रीजन आप देख पा रहे हैं, पाक की खाड़ी, ये रामेश्वरम है, यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है, ये धनुषकोटी है, और ये देखिए यहाँ पे जाकर के गिरती है पाक की खाड़ी में वैगई नदी जो कि तमिलनाडु की नदी है। अब हम इन नदियों के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश में यहाँ पे है पुलिकट झील, जो कि आपको बिल्कुल आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की बाउंड्री पे दिखाई दे रही है। इसी तरह से उड़ीसा में चिल्का लेक। तो जब हम झीलों को पढ़ेंगे तब आप फिर से मैप देखोगे तो आपको फिर से नदियाँ रिकॉल हो जाती हैं। तो ये ना वाइस वर्सा मामला चलता है कि झील पढ़ रहे हैं तो नदियाँ भी साथ में रिवाइज हो जाती हैं, नदी पढ़ रहे हैं तो एक दो झील भी ध्यान करते हुए चलें। तो इसी तरह से फैक्ट्स जो हैं वो इसी तरह से तैयार होते हैं। देखिए सबसे पहले माही नदी को डिस्कस करते हैं। उद्गम हमने देख लिया मध्य प्रदेश से होता है, तो एमपी के धार जिले से विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है माही नदी का उद्गम। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, अब रटना नहीं है, आपके दिमाग में वो मैप चलना चाहिए कि एमपी में कहाँ से ये नदी शुरू हो रही थी और किस तरह से राजस्थान में एंट्री इस नदी ने किया और फिर ये गुजरात में बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिर गई थी। देखिए माही नदी पे एक क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है, माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है, ये तो अभी हमने देख ही लिया था कि उद्गम कहाँ से होता है, कौन से राज्यों में ये बहती है और अंत में जाकर के खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ये नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसके अलावा हम ये देखें कि विषुवत रेखा को कांगो नदी या इसको जायरे नदी भी कहते हैं, ये अफ्रीका की नदी है कांगो या जायरे, ये विषुवत रेखा को दो बार काटती है। इसके अलावा हम बात करें लिम्पोपो नदी की, तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। तो ये तीन नदियां आपको ध्यान ही रखनी है
कि ये नदियाँ कुछ इस तरह से बहती हैं कि ये जैसे माही बह रही थी, यूँ आकर के यहाँ पे खंबात की खाड़ी में गिरी और ये इस तरह से दो बार गुजरती है, किससे? कर्क रेखा से। और इसी तरह से कांगो और लिम्पोपो नदी, ये दोनों भी फैक्ट के रूप में ध्यान रखनी है कि कांगो नदी काटती है विषुवत रेखा को दो बार और लिम्पोपो नदी काटती है मकर रेखा को दो बार। इसके बाद देखिए माही पे माही बजाज सागर परियोजना भी है। नदियों की परियोजना हम डेफिनेटली पढ़ेंगे, बांध भी डिस्कस करेंगे, इसके अलावा दर्रे भी डिटेल में पढ़ेंगे, झीलें भी पढ़ेंगे, तो टेंशन नहीं लेनी है, धीरे धीरे करके फैक्ट्स को याद करते जाना है। जैसे माही नदी पढ़ते समय हमने देख लिया माही बजाज सागर परियोजना, अब जब हम ये परियोजना पढ़ेंगे तो फिर से माही नदी को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा माही नदी की सहायक नदियाँ, देखिए ये जो 10 नदी हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इसके अलावा माही, नर्मदा और ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इनको इन्हीं क्रम में ध्यान रखते हुए इन 10 नदियों की सहायक नदियों को याद करना है, क्योंकि ये 10 नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें माही नदी की सहायक नदियों की, तो ये हैं जाखम, सोम, चाप और अनस, ये चार नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। अब हम बात करते हैं नर्मदा नदी की। देखिए जब हमने सतपुड़ा, विंध्याचल, इन पर्वत श्रेणियों को डिस्कस किया था, तब हमने देखा था कि इस तरह से विंध्याचल रेंज है, उसके बाद नर्मदा नदी बहती है, फिर इसके बाद सतपुड़ा रेंज है और इसके बाद ताप्ती नदी बहती है। और सतपुड़ा रेंज को हमने देखा था कि ये ब्लॉक पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन है सतपुड़ा, और इसके ये दोनों जो नदियां हैं, नर्मदा भी और ताप्ती भी, ये दोनों भ्रंश घाटियों से बहने वाली नदियां हैं। हमने देखा था कि किस तरह ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है, तो इनकी जो भ्रंश घाटी है, इस ब्लॉक पर्वत के दोनों तरफ की जो घाटी हैं उनमें एक में नर्मदा बहती है और जो दक्षिण में भ्रंश घाटी है उसमें ताप्ती नदी बहती है। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से, मेकाल पर्वत श्रेणी, अमरकंटक से नर्मदा का उद्गम होता है। इसके अलावा हमने देखा था कि सोन नदी का उद्गम भी अमरकंटक से होता है, और अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बिल्कुल बाउंड्री पे है, और सोन नदी दाएं तट से मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है। और नर्मदा नदी के बारे में एक पौराणिक कथा चलती है कि नर्मदा और सोनभद्र, सोन नदी को दिखाया गया है मेल कैरेक्टर के अंदर और नर्मदा नदी को फीमेल कैरेक्टर के अंदर। तो सोनभद्र और नर्मदा दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन सोनभद्र ने नर्मदा पे चीटिंग की और किसी और को पसंद करने लग गया, तो इस वजह से, और एक नहीं दो तीन अलग अलग पौराणिक कथा चलती हैं जिसमें एक में नर्मदा को किसी राजा की पुत्री के बारे में भी बताया गया है कि किसी राजा की पुत्री थी नर्मदा। कुल मिलाकर कहा यह जाता है कि नर्मदा नदी क्यों पश्चिम पूर्व से पश्चिम की तरफ चल पड़ी। हमने देखा कि ये एमपी की बाउंड्री है, यहाँ से नर्मदा नदी पूर्व की तरफ ना बह करके, बंगाल की खाड़ी में ना गिर करके, और ये अमरकंटक से निकल करके पश्चिम दिशा में बहती हैं, और पश्चिम दिशा में बहते हुए अरब सागर में जाकर गिरती हैं। इसके पीछे की ये पौराणिक कथा है कि नर्मदा और सोनभद्र एक दूसरे को पसंद करते थे, सोनभद्र ने चीटिंग की नर्मदा के साथ, तो नर्मदा नदी उल्टे पांव चल पड़ी, यानी इन्होंने उल्टी डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया, और इन्होंने कभी फिर शादी नहीं की, नर्मदा ने कभी शादी नहीं की, तो इसलिए इसको कुंवारी नदी भी कहा जाता है। और जैसे गंगा नदी में स्नान करने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है ऐसा कहा जाता है, तो ठीक वैसे ही कहते हैं कि नर्मदा नदी के तो दर्शन करने से ही सारे पाप से मुक्ति मिल जाती है। तो अगर आपको भी अपने पापों से मुक्ति चाहिए तो एक बार नर्मदा नदी को आकर के देख लो, ठीक है। देखिए तो ये तो थी एक पौराणिक कथा, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है कि विंध्याचल पर्वत से नर्मदा निकलती है, एमपी की सबसे बड़ी नदी है, इसलिए मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इसको कहा जाता है। अगर इसकी सहायक नदियों की हम बात करें तो तवा, बंजर, शेर और औरसंग, ये इसकी हैं सहायक नदियाँ, तवा, बंजर, शेर और औरसंग। इसके अलावा धुआंधार जलप्रपात, जबलपुर के आसपास नर्मदा नदी पे धुआंधार जलप्रपात है, नाम ही देखो कैसा है, धुआंधार। सरदार सरोवर परियोजना, देखिए नर्मदा नदी बहुत लंबे समय तक डिस्प्यूट में रही थी 90s के दौर में,
तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, सरदार सरोवर बांध बनाने के लिए जो आसपास का एरिया खाली करवाया गया, इससे दो बड़ी समस्याएं हुई। एक तो एनवायरमेंटल के जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वाले लोग हैं, जिनमें मेधा पाटकर का नाम सबसे ऊपर रहा था नर्मदा बचाओ आंदोलन के अंदर, तो एक तो इससे पेड़ पौधे, कोई भी डैम बनाया जाता है तो इतने जंगल के जंगल साफ किए जाते हैं, तो आप सोचिए इतने ज़्यादा पेड़ पौधों को वहाँ से काट देने से एक तो हमारा एनवायरमेंट को नुकसान पहुँचता है, दूसरा उस जगह पे जो लोग रह रहे थे, जो खेती कर रहे थे, आदिवासी लोग थे, उनके माइग्रेट होने की सबसे बड़ी समस्या कि उनको माइग्रेट करके कहीं और उनका आवास सुनिश्चित करना, तो इस मामले में गवर्नमेंट ने बहुत ढिलाई बरती थी। तो इस वजह से नर्मदा नदी बचाओ या नर्मदा आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था, तो इसलिए भी आपको नर्मदा नदी के बारे में सारी चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। ये हम जब भारत के सारे ही डैम, सारे बांध कवर करेंगे उस समय हम इस बांध को भी पढ़ेंगे। देखिए सरदार सरोवर परियोजना जो कि आसपास के रीजन में लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए और सिंचाई के लिए, बिजली बनाने के लिए, इन सब कार्यों के लिए बांध बनाए जाते हैं, लेकिन बांध बनाने की जो कॉस्ट पर्यावरण की तरफ से चुकाई जाती है वो बहुत बड़ी कॉस्ट है। वैसे भी पूरी पृथ्वी ही जूझ रही है पर्यावरण से, तो इसलिए ऐसी परियोजना जो है वो बहुत विवादित होती हैं, गवर्नमेंट के लिए भी, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी, और ये लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं, क्योंकि उन्हें माइग्रेट करके किसी और जगह बसना होता है और ये काम इतना आसान नहीं होता। अब इसके बाद देखिए ये जाकर के गिर जाती है खंबात की खाड़ी में। तो नर्मदा नदी के बारे में ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। ध्यान कैसे रहेगा, लगातार साइड में मैप देखते रहना है, तो मैप देखने से चीजें पढ़ना जानना आसान हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ताप्ती नदी, ये भी भ्रंश घाटी से बहती है। इसका उद्गम जो है वो सतपुड़ा पहाड़ियों से होता है, बैतूल जिला मध्य प्रदेश से। सतपुड़ा की पहाड़ी, ये वर्ड याद रहना ज़्यादा जरूरी है। अगर बैतूल जिला आपको ना भी ध्यान रहे तो इम्पोर्टेंट क्या है कि कहाँ से निकल रही है, तो सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकल रही है। ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में हमने देखा था कि कैसे बाउंड्री को टच करते हुए बिल्कुल महाराष्ट्र के नदन पार्ट से गुजर रही थी, और गुजरात से होते हुए ये खंबात की खाड़ी में, सॉरी ये जाकर गिरती है अरब सागर में। मैप में हमने देखा था खंबात की खाड़ी में गिर रही है माही नदी और नर्मदा नदी, ये जाकर के गिरती है अरब सागर में। इसकी सहायक नदियाँ अरुणावती और गिरना, ये दो इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब हम बात करते हैं जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। गोदावरी नदी, इसे दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, और ये सोर्स है एनसीईआरटी का। बहुत सारी बुक में मैंने बताया आपको कि कावेरी नदी को भी दक्षिण की गंगा माना गया है। ये देखिए, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी नदी। क्वेश्चन को इसी तरह से घुमाया जाता है और हमें लगता है इतना इजी क्वेश्चन गलत कैसे कर दिया, ठीक तरीके से ना पढ़ने की वजह से। तो क्वेश्चन को कम से कम दो बार पढ़ा करो। अब हम इसके बाद डेफिनेटली नदियों से पूछे गए क्वेश्चंस लगाएंगे, तो जो कुछ छोटी नदियां हैं, जैसे मांडवी नदी हो गया, जुआरी नदी हो गया, ये बहुत छोटी नदियां हैं, बहाव एरिया जो क्षेत्र है वो बहुत कम है इनका, तो इनको हम क्वेश्चन लगाते टाइम डिस्कस कर लेंगे। उसकी आप टेंशन बिल्कुल मत लेना कि इतनी कम नदियाँ ही क्यों, 10 बड़ी नदी और इसके अलावा हमने कम से कम 30-40 छोटी नदियाँ जो इनकी सहायक नदियाँ हैं इनको डिस्कस किया है, क्योंकि अगर और भी कोई इम्पोर्टेंट नदी बच जाती है तो वो क्वेश्चन लगाते समय हमारे सामने आ जाती है, उसके फैक्ट्स भी आ जाते हैं। देखिए गोदावरी का उद्गम हमने देखा था महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर से होता है नासिक में। इसका उपनाम बूढ़ी गंगा, दक्षिण की गंगा, जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। सहायक नदियों की बात करें तो ये इंद्रावती है और इस पे कम से कम 2 या 3 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। देखिए ये तो बहुत आसान है, वेन गंगा, पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, कम से कम 3 से 4 बार आप इनको रिकॉल करोगे नदियों को और इनकी सहायक नदियों को, तो कोई भी इनके लिए ट्रिक बनाने की नीड नहीं है, वो वैसे ही ध्यान रह जाएंगी। साथ में मैप भी देखते हुए चलोगे तो याद करना आसान हो जाएगा। तो देखिए पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, मंजरा, वेन गंगा, सबरी, ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अब देखिए कृष्णा नदी,
कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी है। इसका उद्गम होता है महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से, महाराष्ट्र से, और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है। और इस नदी के जल के वितरण को लेकर के विवाद है कृष्णा नदी पे। बंगाल की खाड़ी में ये जाकर गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी तुंगभद्रा तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोयना नदी पे कोयना बांध भी है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। भीमा, मूसी, घाट प्रभा और मालप्रभा, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। कृष्णा नदी और गोदावरी नदी ये आंध्र प्रदेश में भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा हमने देखा था गंगा ब्रह्मपुत्र बनाती हैं, और भारत का दूसरा बड़ा डेल्टा कृष्णा और गोदावरी नदी बनाती हैं। तो आप गंगा नदी और गोदावरी नदी में काफ़ी सिमिलरिटीज देख पा रहे होंगे, इसीलिए इसको बूढ़ी गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इसके बाद बात करें हम महानदी की, तो महानदी देखिए सिहावा पहाड़ी रायपुर छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम होता है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा में ये बहती है। इसकी सहायक नदी है तेल नदी, और ये तेल दो बार ध्यान कर लेना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। तेल नदी और जोंक नदी, ओंग, शिवनाथ, मांडवी और इब, ये इसकी सहायक नदियां हैं। पारादीप जो कि उड़ीसा में है, पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में ये जाकर के गिर जाती है। जैसे हमने देखा था सागर द्वीप के पास जाकर के गिर रही थी गंगा नदी मेघना के नाम से, वैसे पारादीप के पास जाकर के ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध महानदी पे ही बना हुआ है। हीराकुंड बांध अभी हमने देखा था, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे, हीराकुंड बांध है महानदी पे। तो नदियों को पढ़ते टाइम कुछ कुछ बांध हम याद करते हुए चलते हैं, ताकि बांध को जब हम पढ़ेंगे, डैम जब हम पढ़ेंगे, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। अब देखिए कावेरी नदी, कावेरी नदी पे भी जल विवाद है। इसमें मेनली चार राज्य हैं, तीन राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी। तीन राज्यों में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु और एक पांडिचेरी, इनके बीच में ये विवाद है। लेकिन अभी आपने मैप देखा होगा, मैप में हमने देखा था कि ये कर्नाटक से निकल रही है। देखिए ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कुर्ग कर्नाटक से निकल रही है, और तमिलनाडु में बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि केरल इसमें क्यों इंक्लूड हो रहा है। तो मेन तो इनका झगड़ा जो है वो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में ही, लेकिन इसमें केरल इसलिए शामिल है क्योंकि नदी बेसिन जो होता है वो होता है कि नदी, मुख्य नदी जो है और उसकी सहायक नदियाँ, ये मिल करके जितना बहाव क्षेत्र, जितना एरिया कवर करती हैं, वो पूरा नदी बेसिन होता है। तो ये जो नदी का पूरा एरिया है, इसकी सहायक नदियों को मिला करके उसमें केरल भी आ जाता है। तो इस वजह से केरल भी इस जल वितरण के मामले में शामिल है। देखिए कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कुर्ग कर्नाटक से हो रहा है, कर्नाटक तमिलनाडु में ये बहती है। सहायक नदी की अगर हम बात करें तो लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णवती, भवनी, हेमावती, लोकापावनी, अर्कावती, हेरांगी और सिमसा, ये इसकी सहायक नदियां हैं। याद कैसे होंगी, एक या दो बार मैप में देखना है और फिर इनको तीन से चार बार रिकॉल करना है तो याद हो जाएंगी। तिरुचिरापल्ली के निकट ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम, ये तीन द्वीप हैं कावेरी नदी पे। जैसे ब्रह्मपुत्र में हमने देखा था माजुली द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो। तो इसमें क्या होता है कि जैसे नदी बहते हुए आ रही है, बीच से इस तरह से नदी ने अपना मार्ग बना लिया कि ये दोनों साइड से बहती है। अब ये वाला जो एरिया है ये द्वीप है। तो ठीक इसी तरह से श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम, ये दो द्वीप तो हैं कर्नाटक के अंदर, और श्रीरंगम द्वीप जो है वो है तमिलनाडु के अंदर, जो कि कावेरी पे हैं, और ये तीनों ही द्वीप इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद देखिए लूनी नदी, लूनी नदी जो है वो हमने देखा था कि एक तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, हिमालयी नदी तंत्र, इसके अलावा एक अंतः अपवाह नदी तंत्र, जिसमें दो तरह की नदियां होती हैं, एक वो नदी जो जाकर के झीलों में गिर जाती हैं, और एक वो नदी जो रेगिस्तान में जाकर के विलुप्त हो जाती हैं। तो अंतः अपवाह तंत्र के तहत ही अंतर्वाही नदी है लूनी नदी। इस नदी को सॉल्ट रिवर भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा लवणीय है। लून ये वर्ड जो है ये राजस्थान में नमक के लिए काम में लिया जाता है, तो ये सॉल्ट रिवर है,
इसका पानी जो है वो बहुत सॉल्टी है। तो देखिए ये एक अंतर्वाही नदी है, उद्गम इसका होता है अजमेर के दक्षिण पश्चिम में, राजस्थान का हार्ट है, राजस्थान के बिल्कुल मिड में स्थित है अजमेर। अजमेर में अरावली की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होती है और गुजरात में ये कच्छ के रण में जाकर के विलुप्त हो जाती है, यानी ये नदी अरब सागर में या खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती, ये विलुप्त हो जाती है, इसीलिए ये क्या है, अंतर्वाही नदी है। कच्छ के रण में ये जाकर के विलुप्त हो जाती है। सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो इसकी तीन मेन सहायक नदियां हैं, जवाई, खारी और जोजड़ी। इसको कहते हैं रेगिस्तान की गंगा, लूनी नदी को कहते हैं रेगिस्तान की गंगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है क्योंकि ऐसे वाले फैक्ट बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद हम बात करें साबरमती नदी, जिसके किनारे शहर अहमदाबाद शहर स्थित है। देखिए इसका उद्गम होता है उदयपुर में अरावली श्रेणी से और ये राजस्थान में बहती हुई, देखिए इस नदी में जल का अभाव रहता है, राजस्थान में बहते हुए गुजरात में पहुंचती है और गुजरात में जाकर के ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो वाकल, वाफल नहीं है ये, वाकल नदी है, वाकल, हाथमती, वात्रक, माजम और सेई, ये इसकी सहायक नदियां हैं। साबरमती जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है कि गांधी जी के लिए कहा जाता था साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल। तो अहमदाबाद देखिए इसी नदी के किनारे स्थित है अहमदाबाद और ये साबरमती नदी। अब हम बात करें स्वर्ण रेखा नदी की। देखिए स्वर्ण रेखा नदी बहुत ज़्यादा लंबी नदी तो नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। देखिए इसका उद्गम होता है रांची के निकट छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर का पठार खजानों का भंडार है, बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं। देखिए यहाँ पे झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। इसी नदी के किनारे, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जमशेदपुर नगर बसा हुआ है। जमशेदपुर कौन सी नदी के किनारे है, तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। देखिए जमशेदपुर का नाम पहले था साक्ची, साक्ची गांव था ये। फिर जब जमशेद जी टाटा ने टिस्को कंपनी बनाई उसके बाद से इस नगर को जमशेदपुर नगर कहने लग गए, जमशेदपुर कहते हैं। ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है, इसे टाटा नगर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो रेलवे स्टेशन है साक्ची गांव था और यहाँ पे काली माटी करके रेलवे स्टेशन था। काली माटी रेलवे स्टेशन का नाम जो है वो उस क्षेत्र में काली मिट्टी पाए जाने के कारण नाम रख दिया काली मिट्टी, काली माटी रेलवे स्टेशन, उसका नाम बाद में किया टाटा नगर रेलवे स्टेशन। तो वर्तमान में टाटा नगर रेलवे स्टेशन है और साक्ची गांव का नाम है जमशेदपुर, जो कि जमशेद जी टाटा ने टिस्को कंपनी वहां पे बनाई तो इस वजह से उन्हीं के नाम पे इस गांव का नाम रख दिया जमशेदपुर। इसकी सहायक नदियों की हम बात करें तो खरकई नदी, रारू नदी और कांची नदी, ये स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदियां हैं। अब हम बात करें भरतपूजा, या इसका एक नाम पोन्नानी नदी भी मिलता है। इसका उद्गम होता है अन्नामलई की पहाड़ियों से। हमने देखा था कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं और हमने सह्याद्री को तीन पार्ट में डिवाइड किया था, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिण की सह्याद्री। तो दक्षिण सह्याद्री में हमने अन्नामलई की पहाड़ियाँ पड़ी थी और अन्नामलई की पहाड़ियों में ही अनाईमुदी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और इवन पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि पूर्वी घाट कम ऊंचा है पश्चिमी घाट के कंपैरिजन में। ये हमने देखा था कि पूर्वी घाट की जो चोटी है महेंद्रगिरी, उसकी तो हाइट ही 1500 मीटर है, तो पश्चिमी घाट ज़्यादा ऊंचा है। यहाँ पे अन्नामलई की पहाड़ियों में ही सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी की चोटी थी और यहीं से निकल रही है केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपूजा, या इसको पोन्नानी नदी कहते हैं। ये जा करके अरब सागर में गिर जाती है। हमने देखा था सबसे लास्ट में कि अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है वो भरतपूजा या पोन्नानी नदी है। सबसे अंतिम नदी नहीं है ये, भरतपूजा या पोन्नानी नदी अरब सागर में जा करके गिरती है। अब हम बात करते हैं पेरियार नदी की। पेरियार झील भी है और पेरियार नदी भी है। इसका उद्गम होता है वहीं अन्नामलई की पहाड़ियों से। ये महाड़ी नहीं है, ये पहाड़ी है, अन्नामलई की पहाड़ियों से।
अब जब अन्नामलई की पहाड़ी की बात आए तो आप भी तुरंत रिकॉल कर लिया करो अन्नाइमुदी, दक्षिण सह्याद्री और इसके साथ ही कार्डमम पहाड़ियों को भी याद कर लिया करो, ठीक है। तो इसी तरह से फैक्ट्स ज़्यादा बार रिकॉल होने से ही अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से याद होते हैं। देखिए, ये केरल की सबसे लंबी नदी है। अब यहाँ पे लंबी और बड़ी में क्या डिफरेंस है, तो हम बात करते हैं नील नदी और अमेजन नदी की। देखिए, हम सबसे लंबी नदी किसे कहते हैं, नील नदी को, और अगर हम कहें सबसे बड़ी नदी तो हम कहते हैं अमेजन को। आप कंफ्यूज कैसे नहीं होते हो भाई इस चीज़ में, लंबी बड़ी? अगर होते हो तो एक चीज़ देखो, आप सभी लोग अमेजोन से कुछ ना कुछ ऑर्डर ज़रूर करते होंगे। अमेजोन जो ऐप है उससे ज़रूर कुछ ना कुछ ऑर्डर करते होंगे। तो आप सोचिए, आप अमेजन ऐप के लिए क्या शब्द काम में लेते हैं? अमेजन ऐप बहुत लंबी ऐप है, या ये कहते हैं कि अमेजन ऐप बहुत बड़ी है, उस पर बहुत ज़्यादा तरह के गुड्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो अमेजन क्या है, बहुत बड़ी है ना। अमेजन ऐप, अमेजन के लिए हम क्या कहते हैं, बहुत बड़ी है। तो अमेजन नदी क्या है, बड़ी है, सबसे बड़ी। यानी नदी के अगर कंटेस्ट में हम बात करें तो इसका जो पानी का वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये क्या है, सबसे बड़ी। नील नदी सबसे लंबी नदी है क्योंकि इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, 6650 किलोमीटर, 6650 किलोमीटर लंबी नदी है, ये सबसे लंबी नदी है, इससे लंबी और कोई नदी नहीं है। तो बड़ी और लंबी, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी नदी यानी वाटर के वॉल्यूम में कौन सी बड़ी है, भरतपुजा। लेकिन लंबी नदी की लेंथ में, लंबाई में बात की जाए, किलोमीटर में कितनी लंबी है, तो वो है पेरियार नदी, और ये जाकर के गिरती है वेम्बानद झील में। यानी पेरियार नदी भी किसका पार्ट है, अंतः अपवाह तंत्र का पार्ट है पेरियार नदी, ये याद रखना है। इसके बाद देखिए वैगई नदी। वैगई नदी का उद्गम होता है वर्षानडु पहाड़ी से, तमिलनाडु से, बिल्कुल केरल और तमिलनाडु के बिल्कुल बाउंड्री से थोड़ा सा ही आगे से होता है, वर्षानडु पहाड़ी से, और ये जाकर के गिरती है पाक की खाड़ी में। हमने मैप देखते समय देखा था कि पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, धनुषकोटी, रामेश्वरम, इन जगहों को बहुत अच्छे तरीके से देखा था हमने। आप फिर से देख लेना मैप में, पाक की खाड़ी में कंफ्यूज नहीं होना है कि ये पाकिस्तान की तो नहीं है। देखिए, पाक की खाड़ी बंगाल की खाड़ी में ही है, लोकेशन आप फिर से मैप में ज़रूर देख लेना, और ये वैगई नदी जाकर के इसमें गिरती है। ये हमारी आज की प्रायद्वीपीय नदी तंत्र कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। देखिए, अभी हमने नदियों को ही एक सरफेसली पढ़ा है ना। इसके अलावा भी नदियों की बहुत सारी चीज़ें फैक्ट्स के रूप में पूछी जा सकती हैं। कुछ हमारी क्लियर हो जाएंगी क्वेश्चन लगाते समय, और इसके बाद कुछ क्लियर हो जाएंगी जब हम झीलों को, इन नदियों के किनारे जो शहर बसे हैं उनको, इसके अलावा नदियों पर जो परियोजनाएँ चल रही हैं उनको जब हम डिस्कस करेंगे, तो इन नदियों के और भी बहुत सारे फैक्ट क्लियर होते जाएंगे। क्योंकि एब्सोल्यूट मैनर में कभी फैक्ट्स याद नहीं किए जाते। फैक्ट्स किसी ना किसी तथ्य, किसी ना किसी घटना, किसी ना किसी जगह, कोई लोकेशन, किसी ना किसी वजह से याद होते हैं और वो जुड़े होते हैं वहाँ से। तो इसीलिए झीलों को पढ़ते समय भी ज्योग्राफी इसीलिए इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये हम फैक्ट्स जो हैं वो मैप के थ्रू याद करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग लगता है थोड़ा सा, कि लोकेशन ध्यान होती हैं, कुछ जगह जहाँ से हम खुद बिलोंग करते हैं वो जगह का फैक्ट जब हमें पता चलता है, या हम जीके जीएस में उस पर्टिकुलर जगह के बारे में पढ़ते हैं। जैसे अगर कोई स्टूडेंट धार जिला से होगा, कोई बैतूल से होगा, या कोई पटना से है जो कि गंगा के बिल्कुल किनारे, तो आप सोचिए यहाँ से, इलाहाबाद से, प्रयागराज से कोई स्टूडेंट है, तो उसे वैसे भी फैक्ट याद करना अच्छा लगता है कि अरे मैं तो यहाँ रहता ही हूँ, राइट। तो ये लोकेशन वाला मामला थोड़ा मज़ेदार होता है। आई होप आपने क्लास को डेफिनेटली एंजॉय किया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।